तो कैसे हैं आज? पीसी जीरो का रिजल्ट था तो आज देखा आपने क्या दिखाया इसने। ये ओपन हुआ 91 पे और लो बनाया इसने 8450 का, और अच्छा खासा इसने आज ऊपर नीचे ऊपर नीचे झुला करके 92 का हाई बनाया। लेकिन 91 के बाद ओपन प्राइस होने के बाद 92, 2 रुपये का, 1-2 रुपये का हाई दिखाने के बाद 2 पे क्लोजिंग दिया। तो मैंने तो पहले ही बोला था इसमें कोई रिजल्ट अच्छा नहीं है। यहाँ पे देखिए ब्लॉक डील भी हुआ है, ब्लॉक डील भी कुछ हुआ 88.05 पे हुआ है, 9,93,000 शेयर का। सेंटीमेंट बाइंग दिखा रहा है। डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी परसेंटेज टोटल 2,55,00,000 शेयर का डील हुआ है, उसमें 34 लाख शेयर का डिलीवरी हुआ है, 13% 14% डिलीवरी हुआ है। तो आज चूंकि इसका रिजल्ट था इसके लिए ये सब आपको देखने का बना, देखने को मिला आपको। और पी रेशियो जो है घट गया और बड़ा हो गया, तो इसका पी जो है बढ़ जाएगा, 6 का 12 हो जाएगा मोस्ट लाइकली। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपडेट हो जाएगा आपके चार्ट पे, क्योंकि पी जो पहले 4 के आसपास हुआ करता था शायद 2 हो गया अभी। तो आज हुआ क्या है, आज ये जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है चार्ट पे भी आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। तो सेंटिमेंट अभी भी देखिए बाइंग दिखा रहा है। अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं, ये डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट पे आप देखेंगे ये हुआ क्या। तो ये ओपन 91.35 पे हुआ, 91.90 का, 84.60 का लो लगाया और 86.50 का हाई लगाया। तो ये तो इसके डेली चार्ट पे, और जिसमें कि इसने बेरिश पैटर्न ही बनाया है, और चूंकि ये 86.50 का लो बनाया है, तो अभी आपको एक बार ये हो सकता है कि कल आपको यहाँ से जो आपको कल जो एक टारगेट था ये 76 वाला, ये हो सकता है कल टच करेगा। ये 74 के आसपास इसको कल टच कर सकता है, और 76 जो आपको थी यहाँ पे 76 के आसपास जो था ये रेसिस्टेंस है, इसका सपोर्ट है। तो अगर ये सपोर्ट टूटता है तो आपको यहाँ पे वापस कमजोरी देखने को मिलेगी। 76 का जो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट अभी भी बना हुआ है, रहना इसके नीचे तो कल इसको नहीं जाना चाहिए, इतना भी कमजोर नहीं हुआ है। और अगर बहुत नीचे जाता है 70 क्रॉस करता है तो यहाँ पे भी एक इसको सपोर्ट मिल सकता है, वापस हो सकता है आपको यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर है। तो ठीक है, कल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मार्केट का जो न्यूज आया वो 4 बजे के आसपास आया, मार्केट बंद होने के बाद आया है। आइए एक बार इसके न्यूज को भी देख लेते हैं क्या बताया इसने। तो अब यहाँ देखिए हेडलाइन है, पीसी ज्वेलर्स स्टैंडर्ड ऑन सेप्टेम्बर, ये कितने बजे, 4:21 पे यहाँ पे आया है। 2018 नेट सेल्स 1635 करोड़ डाउन ईयर ऑन ईयर बेसिस। चलिए अगर आप इसको यहाँ पे समराइज करें तो नेट सेल्स जो था 1635 करोड़ इन सितंबर 18 था, जो कि 37% डाउन था कंपेयर टू सितंबर 17। मैंने सेल्स जो 2600 करोड़ का था वो 1600 करोड़ पे आ गया। जो उसकी नेट प्रॉफिट थी लास्ट ईयर सेम पीरियड सितंबर 17 में 150 करोड़, वो 93 करोड़ पे आ गया। ईबीटा जो सितंबर 17 में 299 करोड़ था वो 233 करोड़ आया, 21% डाउन। नेट प्रॉफिट 37% डाउन, सेल 37% डाउन। ईपीएस इसका जो डिक्रीज हो गया 2.4 से, अब ईपीएस जो रह गया 2.38 हो गया। और दूसरा पीसी जो शेयर्स क्लोज 89.95, आज जो 89.95 पे क्लोजिंग ऐसा बता रहा है, नवंबर 13, 2018 लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लास्ट 6 मंथ के जो लॉस किया है 49.3 रिटर्न ओवर लास्ट निगेटिव 50% का रिटर्न 6 महीने में दिया है और 12 महीने में 74% का रिटर्न लिया है। अब ये देखिए कंपेरेटिव थोड़ा स्टैंडर्ड लोन का पीसी ज्वेलर्स का डाटा है। आप सितंबर 17 में तो चलो साल भर पहले 2600 का था, जून 18 में जो अचीव किया था इसने, ये फेस्टिव सीजन होने के बावजूद ये देखिए 1635 करोड़। तो जैसा मैंने टाइटन का जब रिजल्ट आया था तब आप देख लीजिए, तब के वीडियो में तभी मैंने आपको बोला था कि जब टाइटन प्रेशर में था तो ये और भी प्रेशर में हो सकता है, तो रिजल्ट भी शायद निगेटिव आएगा, मैं उस समय प्रेडिक्शन किया था। और अल्टीमेटली देखिए ये इतना डाउन होके आया है, इसके चलते जो इसका प्रॉफिट आया है वो भी देखिएगा तो अब 48 के जगह 38 आया है, और फाइनल जो प्रॉफिट आया है इसका 294 की जगह 229 आया है। उसी तरह आप नेट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो आया है 150 की जगह 93 आया है, बेसिक ईपीएस 4 की जगह 238 आया है। तो सारा चीज़ इसका डाउन रहा और अल्टीमेटली वही हुआ, लोग अगर ऊपर लेवल में फंसे होंगे तो फिर अब कल तो ट्रैप हो ही गए हैं, तो कल तो एक बार डाउन जाना ही है इसको, जो करना होगा कल करेगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये अगर वापस आपको 50 के लेवल या 60 के लेवल पे मिलता है तो ये अपसाइड, जैसे 70 से 140 का लेवल मैंने हर समय बोला है, तो आपको वहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी।
तो आप पोजिशनल कॉल इसको 100-100 शेयर लेकर के पोजिशनल कॉल पे इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर मैं वापस इसके एक बार चार्ट पे जाऊँ, चार्ट पे जाके बताने की कोशिश करूँगा आपको, तो अगर इसके आवरली चार्ट पे जाता हूँ एक बार, आवरली चार्ट पे देखें तो ये एक साइडवेज जर्नी पूरी करते रहा, पूरी साइडवेज जर्नी यहाँ से चलती रही इसकी, धीरे देखिए ये चल रहा धीरे धीरे, तो ये यहाँ से 14 तारीख अब देखिए यहाँ से 90 का ओपन होते हुए एक साइडवेज जर्नी यहाँ तक चला, और यह लगभग 2 बजे के आसपास लगता है ये यहाँ से एक फॉल ले लिया, और अच्छा खासा यहाँ से फिर फॉल दिखाया है यहाँ पे। इसकी टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी एक बार, ये जो है 12:30 पे, ये 12:30 तक ऐसे चलता रहा, यहाँ के बाद एक बिग फॉल दिखाया, फिर बिग फॉल दिखाया, और यहाँ पे फॉल दिखाने के बाद 2:30 में लास्ट आवर में जो ये पैटर्न बनाया है फुल कंप्लीट बाइंग, मतलब ये फुल बड़ी बनाया है, तो हो सकता है लोग लास्ट आवर में इसको नीचे की ओर जब ये गिरा होगा, जब ये 84 के आसपास आया होगा तो वहाँ पे बाइंग सिग्नल बनी है। लेकिन एक चीज़ देखें तो आप इसको ये देखिए, जो हाई बनाया 86.50 ये लास्ट मोमेंट पर जाके हाई बनाया और वहीं पर क्लोज दिया है, तो क्लोजिंग इसकी जो हुई है थोड़ी पॉजिटिव सिग्नल पर हुई है, तो कल हो सकता है कि ओपन थोड़ा पॉजिटिव हो के हो लेकिन बाद में ये नीचे चला जाए, वो थोड़ा मतलब कि बहुत ज़्यादा इसे पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं, रिजल्ट भी निगेटिव आया। अब तो जो फाइनेंशियली आना होगा 3 महीने बाद ही आएगा, अब अगर कोई न्यूज़ भी आनी होगी तो अब ये टेक्निकल चार्ट पे ही काम करने वाला है और न्यूज़ ओरिएंटेड ही काम करने वाला है। फिर भी मैं कोई निगेटिव भी ऐसे नहीं बोलता कि आप जो हैं उसमें फंस गए, इसको नीचे के लेवल पर एवरेज कीजिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्क्रिप्ट हो सकता है। अगर इसमें बायबैक की कम कोई भी न्यूज़ अच्छी न्यूज आएगी तो ये अच्छा आपको पैसा यहाँ से दे सकता है। तो वापस आज आपको पीसी जुलोस की ये जस्ट एक न्यूज आया था, इसका आज डिक्लेयर हुआ रिजल्ट, तो वो डिक्लेयर आपके सामने लेके आया था। इसमें जो भी है पोजीशन आपको फिर से बनानी हो, आपको यहाँ पे मैंने 90 का एक पुट भी बोला था, अगर किसी ने भी ये 10 रुपये का पुट लिया होता उस दिन जब मैंने आपको बताया था, तो आज ये इसको आपको यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ 15 रुपये पे, तो 1500 का लॉट था तो आप 7500 का इनकम करते, 50% इनकम आज अर्न किए रहते। अभी भी मेरा वही रिकमेंडेशन है, 90 के पुट को आप इस पे इसको देख सकते हैं, किसी को पेपर ट्रेडिंग करना हो तो, जो कि 15 रुपये पे मिल रहा है। अदरवाइज इसमें कोई पोजीशन नहीं भी बनाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे शेयर बहुत सारे हैं मार्केट में आते रहेंगे। अभी ऑयल सेक्टर में बूम है तो HPCL वगैरह ऑयल सेक्टर पे ध्यान दीजिए, टायर सेक्टर में ध्यान दीजिए, तो ऐसे कुछ ICICI बैंक पे ध्यान दीजिए, ऐसे कुछ शेयर है जो मार्केट में ऑलरेडी हिट है तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा। आइसर मोटर पे भी 25,000 का टारगेट है, मारुति भी आज 7300 का अच्छा ब्रेकआउट दिया तो 7500 के लिए तैयार हो गया, तो अच्छे खासे शेयर मार्केट में अपसाइड है। लेकिन जो अभी सेक्टर चलने वाला IT छोड़ के, IT पे अभी बेरिश ट्रेंड रहेगा, तो IT सेक्टर छोड़ के आप किसी पे भी पोजीशन बनाएंगे तो अच्छा पोजीशन आपके लिए रहेगा। तो यहाँ से भी अच्छे अच्छे शेयर है मार्केट में जहाँ पोजीशन बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी पोजीशन बनाने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें, आगे वीडियो को इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें और लोगों को फॉरवर्ड करें, हमें और खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए वापस बहुत बहुत धन्यवाद।